है गाइस, वेलकम टू माय चैनल गोल्डन मोमेंट्स लैब्स। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कुदरत का एक बेहतरीन आविष्कार इंद्रधनु रेनबो का पेंटिंग कैसे करें। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया है, कैनवास को पूरे पोर बकेट से ग्रे कलर में पेंट कर लिया है और उसके ऊपर हम लोग सॉल्टी वाटर कलर ब्रश से क्लाउड्स बना रहे हैं। ठीक है, तो ये लेयर में हम पूरा पेंटिंग कर रहे हैं। तो ये लेयर वन है, स्काई का जो पेंटिंग कर रहे हैं पहला, तो वो पूरा लेयर वन में कर रहे हैं, उसमें क्लाउड बना रहे हैं। ठीक है, अभी लेयर टू में हम लोग माउंटेन बनाने जा रहे हैं और माउंटेन बनाने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं कंसेप्चुअल ब्रश का, ब्रश नंबर टू का। ओके, तो ये ब्लैकिश कलर का पहला हम माउंटेन उसका बेस बना के ले रहे हैं। ओके, फिर माउंटेन का जो पोजीशन है वो एडजस्ट करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट करना है, जो हमें ठीक लग रहा है वो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा एडजस्ट कर लिया। ओके, अभी माउंटेन्स कैसे दिखते हैं बारिश के दिनों में, वो हरे हरे जैसे दुल्हन का जो जोड़ा रहता है वैसा ग्रीन कलर रहता है उसका, सही है, तो उसको ग्रीन कलर हम लोग देंगे। तो उसका पहला बेस बना रहे हैं और इसमें हम लोग जो पेस्टल ब्रश है वो यूज़ करें क्योंकि उसका जो टेक्सचर जो रहता है उससे ग्रेनी टेक्सचर आता है। ओके, तो परफेक्ट उसका वो फील आ जाएगा। ओके फाइन, देखो उसका धीरे धीरे उभर के आ रहा है, उसका जो ग्रास जो उगता है पहाड़ी के ऊपर वो धीरे धीरे उभर के आ रहा है। अभी उसमें ग्लो होना चाहिए, तो उसमें ग्लो ब्रश यूज़ कर रहे हैं। ओके, और एक बात मैं आपको बता दूँ, मैं ये जो ग्लो ब्रश बोल रहा हूँ ये मैंने अलग से ग्लो ब्रश नहीं यूज़ किया है। मैंने क्या किया है, जो पेस्टल चौक है, जो पेस्टल ब्रश है, उसी को मैं स्टैंडर्ड से ग्लो का सेटिंग मैंने उसमें किया है और उससे वो ग्लो मैं ला रहा हूँ। तो उसकी वजह से जो ग्रैन्यूलर जो टेक्सचर है वो उसका बरकरार रहा है और वही ग्रेनी जो टेक्सचर है उसी में उसमें ग्लो आ रहा है, तो उसका इफ़ेक्ट और भी अच्छा आने वाला है। देखो धीरे धीरे अभी उसका ग्लो कितना खूबसूरत आ जाएगा, आपको दिख जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड से जो रोशनी सूरज की उसमें आ रही है, तो उसके लिए वहाँ पे सूरज भी दिखाना ज़रूरी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग ये ग्लो कवर किंग होने के बाद वहाँ पे सूरज भी दिखाएंगे। ओके, देखो कितना खूबसूरती से वो उभर के आया है पूरा पहाड़ है। और यहाँ पे सॉल्टी वाटर कलर से हमने वहाँ पे सूरज का वो पेंटिंग कर लिया और ये अभी धुआं जो है सेम सॉल्टी वाटर कलर से लेयर थ्री में हम लोग उसका काम कर रहे हैं आसानी से। ओके, तो ये देखो पूरा धुआं आ गया, कितना खूबसूरत तरीका है। अभी लेयर नंबर फोर में हम लोग ग्रास का काम करेंगे। ग्रास के लिए हम पहले कंसेप्चुअल ब्रश नंबर टू से पहला बेस बना लेंगे डार्क ग्रीन कलर से, उसके ऊपर पेस्टल चौक से हम लोग थोड़ा उसमें रफ थोड़ा सा होना चाहिए ना, फिर इसमें उसको थोड़ा सा काम किया, बाद में थोड़ा ब्लेंडिंग किया, अभी भी उसमें थोड़ा डार्क शेड आना ज़रूरी है उसके साथ, तो मैं थोड़ा उसको डार्क बनाना चाहता हूँ, थोड़ा सा उसमें डार्क कलर ऐड करना, डार्क टिंग ऐड करना चाहता हूँ, तो थोड़ा डार्क उसको करेंगे, फिर उसको ब्लेंड करेंगे। ठीक है, वापस उसको ब्लेंड किया। अभी ग्रास का जो फील है उसके लिए हम थॉर्नी ब्रश जो टेक्सचर के जो टूल्स है उसमें से यूज़ करेंगे। पहला डार्क एक लेयर करेंगे, फिर थोड़ा सा लाइट और एकदम से लाइट। ओके, तो पूरा वो ग्रास का फील आ रहा है। देखो अभी उसमें हम लोग फ्लावर बनाएंगे, तो फ्लावर भी टेक्सचर नंबर फोर, टेक्सचर ब्रश नंबर फोर से कर रहे हैं। अब ये फूल जो उल्टे दिख रहे उसको हम लोग इन्वर्ट करेंगे। तो देखो जो छोटे छोटे फूल है वो लंबे दिख रहे हैं और बड़े बड़े फूल नज़दीक दिख रहे हैं। ओके, वो थोड़ा डार्क है, ये थोड़ा लाइट लाइट होते चलते वो ब्राइट दिख रहे हैं फ्लावर्स। देखिए कितना खूबसूरत और कितना रियलिस्टिक वो पेंटिंग दिख रहा है। अभी हम लोग लास्ट जो रेनबो का जो पेंटिंग है वो करेंगे लेयर नंबर फाइव में जाके करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि ध्यान से देखिएगा। ये हमने क्या किया, एक प्लेन कैनवास लिया अलग से, उसमें एक आर्क बनाया, उसमें ये अलग अलग कलर के पर्पल से लेके रेड तक
जो 5-6 कलर है अलग अलग वो दिख रहे, उसे वो आर्क को एयर ब्रश से उसको पहले पेंट कर लिया। ओके, एयर ब्रश से क्या होगा, उसको अलग से ब्लेंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक ब्लेंड हो रहा है। ठीक है, अभी उसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे और इसमें वो ओपन कर लेंगे, अपनी ओरिजिनल पेंटिंग में उसको ओपन कर लेंगे तो ये ऐसा देखेगा। अभी उसको हमने प्लेस करना है, कहाँ प्लेस करना है, तो जो स्काई है और माउंटेन है उसके बीच में, तो स्काई के बाद नीचे का जो है लेयर नंबर 2 के पोजीशन पे इसको रख देना है। देखो अभी वो ऐसा लग रहा है कि आसमान से नीचे तक आया है, यानी नीचे से धुएं के पीछे से वो आसमान में चला गया है और वहाँ पे जाके आगे जाके धुंधला धुंधला होके गायब हो गया है। देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है वो। सो गाइस, ट्राई दिस योरसेल्फ और हमारा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है, कोई भी आशंका है तो कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको ज़रूर उसमें रिप्लाई करूँगा। ओके, थैंक यू, गुड बाय।